अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायोंस। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म्स के टैग्स के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने दो टैग्स को स्टडी किया था, फॉर्म का टैग और इनपुट का टैग। हमने उस वीडियो में बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को स्टडी किया था, जिसमें आईडी, क्लास, नेम, टाइप, रीड ओनली, डिसेबल और भी काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को हमने स्टडी किया था। आज की वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और 6 डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स को स्टडी करेंगे। यहां पर मैं अपना कोड ओपन कर लेता हूं और यहां से forms.html को ओपन कर लेता हूं। यहां पे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और ये इनपुट टाइप्स हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। जो इनपुट टाइप्स हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे उनमें है चेकबॉक्स, रेडियो, रेंज, रीसेट, URL एंड tell। ये 6 टाइप्स हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे और बाकी जो टाइप्स रह जाएंगी वो आपका असाइनमेंट होगी कि आप उनको खुद ही ट्राई करें और उनको डिफरेंटली देख लें, क्योंकि वो काफ़ी आसान इनपुट टाइप्स हैं। उनको आप इजीली ट्राई करके फिगर आउट कर सकते हैं कि वो किस तरह काम करती हैं। स्टार्ट करते हैं चेकबॉक्स से। यहाँ पे मैं कोड को ओपन कर लूंगा और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं इन इनपुट टाइप्स को एक डिव में रैप कर लूंगा ताकि जो हमारी नेक्स्ट इनपुट्स हैं वो एक लाइन ब्रेक के साथ शो हों। और यहाँ पर मैं एक और इनपुट, सॉरी, डिव टैग इंट्रोड्यूस करवा लूंगा। इनपुट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमारी टाइप जो होगी वो है चेकबॉक्स। मैं इसको सिर्फ सेव करूंगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चेक बॉक्स मेरे पास आ गया जिसको कि मैं चेक कर सकता हूँ। ओके, मीन मैं उसको टिक कर सकता हूँ और अनटिक कर सकता हूँ, लेकिन इसके साथ मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। और अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू के एट्रीब्यूट में कुछ ऐड करता हूँ, जैसे कि एनीथिंग, और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर वो चीज़ शो नहीं करेगी। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टैग पे चलते हैं कि जो टैग यूज करते हुए मैं इस चेकबॉक्स के कोई नाम दे सकता हूँ, कोई विजुअल टेक्स्ट शो करवा सकता हूँ ताकि यूजर को समझ आए कि ये टैग चेकबॉक्स आखिर किस लिए है। मेनली हम इसको जो बहुत इसका कॉमन यूज के सिनेरियो है जो कि चेकबॉक्स का है, वो ये होता है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है और आपने लिखा हुआ है कि प्लीज एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन टू कंटिन्यू सबमिटिंग द फॉर्म। तो यूजर को वो चेकबॉक्स टिक करना होगा, फिर ही वो सबमिट कर सकता है। आप यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड, और अब मैं जब रिफ्रेश करके फॉर्म सबमिट करने लगूंगा तो वो कहेगा कि भाई प्लीज टिक दिस बॉक्स इफ यू वांट टू प्रोसीड। तो ये वैलिडेशन होती है हम यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे उसको साथ में वो टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेप्ट आवर टर्म्स टू कंटिन्यू, तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा। इस काम के लिए हमारे पास एक टैग है जो कि इनपुट टैग के साथ काम करता है, जिसका नाम है लेबल टैग। ये टैग हम यूज करते हैं इनपुट को लेबल करने के लिए, एक लेबल, एक नाम असाइन करने के लिए, और ये नेम एट्रीब्यूट से डिफरेंट है। ये बेसिकली जो नेम है ये इस इनपुट का नाम है, और ये जो लेबल है ये इसका, ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे शो होगा कि जो इसका यूजर को जो नजर आएगा। ये नेम हम प्रोग्रामर्स के लिए है कि इसके थ्रू, इस नेम एट्रीब्यूट के थ्रू हम इस इनपुट को सिलेक्ट कर सकें, और ये जो लेबल है वो इस इनपुट का लेबल है ताकि यूजर इस लेबल को पढ़ के इस इनपुट का मकसद समझ सके। जैसे कि जिसकी परफेक्ट एग्जांपल ये चेकबॉक्स है, क्योंकि मैंने वैल्यू के एट्रीब्यूट में चीज यहाँ पे एंटर की लेकिन वो शो नहीं हुई। तो अगर इसको ऐसे ही रहने देंगे तो यूजर इस चेकबॉक्स को नहीं समझ सकता कि आखिर ये चेकबॉक्स किस चीज के लिए है। यहाँ पे मैं लेबल को वैल्यू असाइन करूंगा, ये जो चीज है जो कि मैं चाहता हूं यहाँ पर, इसको यहाँ पे असाइन कर दूंगा और यहाँ पे सेव करूंगा, रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेकबॉक्स बाद में है, लेकिन जो नॉर्मल केस सिनेरियो होता है वो ये है कि चेकबॉक्स पहले होता है और फिर टेक्स्ट होता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ लेबल को नीचे मूव कर दूंगा, सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास जो नॉर्मल आइडियल केस सिनेरियो है वो यहाँ पे आ गया। एक जो चीज रह गई है वो ये है
कि मैं यहाँ पर लेबल पे क्लिक करूं और मेरा ये चेकबॉक्स ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए, जस्ट इन केस कि अगर ये चेकबॉक्स किसी यूजर के लिए काफी छोटा है, उसको सही तरह वो क्लिक नहीं कर पा रहा, तो वो आराम से इस टेक्स्ट पे क्लिक करे और ये चेकबॉक्स क्लिक हो जाए। उसका तरीकाकार ये है कि अब ये हम इनपुट को एक आईडी दें जिसके थ्रू कि हम इस इनपुट को आइडेंटिफाई कर सकें, और इसके लिए हम और कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते, हम नाम को यूज नहीं कर सकते, क्लास को, इस तरह की चीज को यूज नहीं कर सकते, आईडी का होना जरूरी है। मैं यहाँ पे इसका कह दूंगा टर्म्स चेकबॉक्स, ये मैंने इसको आईडी दे दी, और इस लेबल को बता दूं कि ये किसके लिए है। ये लेबल है फॉर, फॉर का एट्रीब्यूट है जो कि बताता है कि किसके लिए है, इस आईडी इनपुट के लिए है। यहां पे मैंने ये आईडी इस इनपुट को असाइन की, और जो मैंने आईडी का वैल्यू यहां पे दी, मैंने यहां पे फॉर के एट्रीब्यूट में, यहां पे ये आईडी का एट्रीब्यूट नहीं है, मैं ये वो रूल को, वो स्टैंडर्ड को डिसओबे नहीं कर रहा कि ये आईडी दो दफा आ रही है। यहां पे आईडी का एट्रीब्यूट होता तो फिर ये स्टैंडर्ड वॉयलेट होना था। यहां पर ये फॉर का एट्रीब्यूट है जो कि बताता है कि ये किस एलिमेंट के लिए है। सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो वो चेक हो जाता है। ओके, और ये जो लेबल है ये सिर्फ और सिर्फ चेकबॉक्स के लिए नहीं होता, ये जो भी हम इनपुट ऐड करते हैं हर एक इनपुट के साथ एक लेबल ऐड करना चाहिए, और इसका पैटर्न यही होना चाहिए कि आप इनपुट को एक आईडी साइन करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा टेक्स्ट इनपुट, और लेबल को बताएं कि ये किसके लिए है, टेक्स्ट इनपुट के लिए है, और जो भी आप कह देंगे टेक्स्ट इनपुट, क्योंकि विजुअली ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है यूजर को कि भाई ये सिंपल एक टेक्स्ट इनपुट है। और ये देखें, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाएगा, और ये हो रहा है इसकी वजह से क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि ये लेबल किसके लिए है, ये फॉर है इस आईडी इनपुट के लिए। ये आपका एक शॉर्ट चैलेंज है कि आप इन बाकी सब के लिए भी एक लेबल असाइन करें, और आप उनको सिंपली टेक्स्ट दे सकते हैं कि टैक्स इनपुट, मैंने इसको टैक्स इनपुट दिया, आप बाकी सबको देते हैं ईमेल इनपुट, पासवर्ड इनपुट, कलर इनपुट, डेट इनपुट, नंबर इनपुट, हिडन, और हिडन को नहीं देना, फाइल इनपुट। ओके, ये आपका शॉर्ट टेस्ट है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा, इसे मैं यहाँ पे कोलैप्स कर दूंगा, और अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे लेडी इनपुट के साथ। चेकबॉक्स तो हमारा ओके हो गया कि हमारे पास चेक आ गया, लेकिन कभी कभी हमारे पास इस तरह का सिनेरियो होता है, जैसे कि अगर एक फॉर्म में लिखा हुआ है सिलेक्ट योर जेंडर, तो उसमें दो ऑप्शन होती हैं मेल या फीमेल, तो आप एक को ही चेक कर सकते हैं, दूसरा चेक नहीं होना चाहिए, एक वक्त में सिर्फ एक ही चेक होना चाहिए। उसके लिए जो हमारे पास इनपुट टाइप है वो है रेडियो इनपुट। उसको यूज करने का तरीकाकार है इनपुट ये, और यहां पर टाइप रेडियो, और यहां पर इसकी वैल्यू मैं वो साइन कर दूंगा कि जब ये चेक होगा तो क्या वैल्यू इसकी जाएगी, और इसका अब नाम एंटर करना जरूरी है। ओके, यहां पर नाम मैं एंटर कर दूंगा कि रेडियो इनपुट, इसे कॉपी पेस्ट करूंगा, और रेडियो इनपुट ये खास किस्म की इनपुट है कि जिसमें नाम सेम होना चाहिए, तभी पता चलता है कि ये ऑप्शन जो है ये लिंक्ड है, ये इस रेडियो ऑप्शन का एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये है। यहां पे मैंने वैल्यू दे दी मेल और यहां पर फीमेल, और इन दोनों को अलहदा अलहदा लेबल असाइन होगा। यहां पर मैंने लेबल दे दिया फॉर, यहां पर मैंने कह दिया मेल रेडियो इनपुट, इसे मैंने कॉपी किया और यहां पर आईडी दे दी मेल रेडियो इनपुट, और इसी तरह मैंने यहां पे एंटर करके आईडी दी फीमेल रेडियो इनपुट, और इसको मैंने लेबल दे दिया इसके लिए फॉर, और यहां पे मैंने इसको नाम दे दिया मेल, और यहां पर टेक्स्ट लिख दिया फीमेल। सेव किया, यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं, आप देखें ये दो ऐड हो गए हैं, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेल पे, मेल सिलेक्ट हो गया, मैं फीमेल पे क्लिक करूंगा तो मेल अनसेलेक्ट हो गया और फीमेल सिलेक्ट हो गई। अगर मैं यहाँ पर नेम सेम नहीं दूंगा, यहाँ पे नेम कोई डिफरेंट होगा, तो फिर ये इस तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि ये
नाम रेडियो का सेम होना चाहिए, और यहां पर मैं इसको चेक करूंगा और ये भी चेक हो जाएगा क्योंकि दोनों का नाम डिफरेंट है, इसलिए दोनों का नाम रेडियो इनपुट के लिए सेम होना चाहिए, एटलीस्ट उस रेडियो इनपुट के लिए जिसके के ये ऑप्शन है। ये एक ऑप्शन है एक रेडियो इनपुट का, ये दूसरा ऑप्शन है इसी सेम रेडियो इनपुट का। अगर इस फॉर्म में मैंने एक और रेडियो इनपुट डालना है, मैं उसकी एग्जांपल आपको शो करवा देता हूं। यहां पे मैं कह देता हूं पब्लिश, और मैं इसको कह देता हूं ड्राफ्ट, और मैं इसका नाम सिर्फ और सिर्फ दे दूंगा स्टेटस। ओके, और ये जो मेल है बेसिकली मेल स्टेटस, इसको मैं चेंज कर दूंगा पब्लिश स्टेटस, और यहां पर ये हो जाएगा ड्राफ्ट स्टेटस, और ये आईडी यहां पर फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो नाम है, क्योंकि ये रेडियो इनपुट चेंज हो चुकी है, अब ये जेंडर के क्वेश्चन के लिए नहीं है ये, बल्कि इस पोस्ट के जो स्टेटस है उसके लिए है कि भाई इसका स्टेटस अभी पब्लिश है कि ड्राफ्ट है। मैं इसे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कनेक्टेड है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ओके, ये होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि रेडियो इनपुट जिसमें टाइप रेडियो है उसका नाम सेम रहेगा, सेम जो उसके ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस के लिए, और उसकी आईडी डिफरेंट होगी हर एक ऑप्शन के लिए। आईडी एक पेज में रिपीट नहीं हो सकती। रेडियो इनपुट स्पेशल इनपुट है जिसमें के इसका नाम सारे ऑप्शंस का जो नाम हो वो सेम ही होना चाहिए, एक ही। ओके, अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट के साथ, रेंज। यहां पे मैं ये अभी के लिए पब्लिश जो स्टेटस वाला है उसको रिमूव कर दूंगा। यहां पर मैं इनपुट कॉलन रेंज ये एंटर करूंगा और इसको यहां से नेम और आईडी को यहां से रिमूव करके सेव करके यहां पे रिफ्रेश करूंगा, तो आपके पास ये रेंज का स्लाइडर यहां पर आ गया है। इसको यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि ओके ये इतने परसेंट कंप्लीट हो गया, ये इतने परसेंट कंप्लीट हो गया, इस तरह इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे रीसेट के लिए। कभी कभी आपने बेसिकली ऑप्शन एक देना होता है यूजर को कि अगर उसने डाटा एंटर कर दिया और वो डाटा गलत था, इनवैलिड था, किसी भी वजह से वो डाटा को रीसेट करना चाहता है, तो एक बटन हो उसके पास जिसपे कि वो क्लिक करे और पूरा फॉर्म की हर एक वैल्यू जो है ना इनपुट की वो रीसेट हो जाए। तो उसके लिए जो हमारे पास इनपुट है वो है इनपुट रीसेट। ओके, ये इनपुट है, इसको मैं वैल्यू बेसिकली अभी के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू नहीं ऐड की तो नाम जो है वो रीसेट है। अगर मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ, रीसेट दिस फॉर्म, सेव, रिफ्रेश, तो इसका जो ये टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे डाटा एंटर करता हूँ, रैंडम डाटा मैंने एंटर कर दिया सब में, यहाँ पे मेल मेल सेलेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया, इसको मैंने एंड पे ले दिया, रीसेट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हर एक चीज रीसेट हो गया। ये रीसेट और सबमिट के बटन अभी हम यूज कर रहे हैं इनपुट। हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं, वो ये है कि आप बटन ही डायरेक्ट यूज करें, बटन करें, और यहाँ पे आप जो भी आप यूज करना चाहते हैं टेक्स्ट, क्योंकि आपको पता होगा कि टेक्स्ट ऐड करना है, और इसकी टाइप यूज करें। बटन के ऊपर भी हमारे पास टाइप ये अवेलेबल होती है और इसको सेट कर दें रीसेट पे, और ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के अंदर। आप इसको अगर बाहर रख के फॉर्म के रीसेट सेट कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे फॉर्म से बाहर रख के इसको रीसेट फॉर्म टू, रीसेट इनवैलिड कह देता हूँ इसको, क्योंकि ये इनवैलिड है, और यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट। एक हमारे पास टाइप है सबमिट, ओके, सबमिट दिस फॉर्म, और इसको सबमिट को भी बाहर रख के दिखा देता हूँ, सबमिट इनवैलिड, और यहाँ से भी दिस ये किया, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे मैंने डाटा एंटर किया सारा रैंडम, जो भी डाटा एंटर करना है, यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लिया, इसको कर लिया। अब इसको इनवैलिड को मैंने रीसेट किया, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये किसी फॉर्म के अंदर नहीं है। इसने इवेंट फायर किया लेकिन किसी फॉर्म ने उस इवेंट को कैच नहीं किया और डाटा रीसेट, क्योंकि ये किसी फॉर्म में है ही नहीं है। ये वाला बटन
रीसेट टाइप के साथ, क्योंकि इस फॉर्म में है ये, जब हम इस पे क्लिक करेंगे ये इवेंट फायर करेगा कि भी डाटा रीसेट कर दो, ये फॉर्म इस जो इवेंट है उसको कैच करेगा और अपने अंदर जितनी इनपुट्स हैं उन सब का डाटा रीसेट कर देगा। मैंने इस पे क्लिक किया और डाटा रीसेट हो गया। सेम ये भी इसी तरह काम करेगा सबमिट का, मैं इस पे क्लिक करूंगा कुछ भी नहीं होगा। ये मैं इस वजह से रिकमेंड करता हूँ कि ये बेसिकली क्योंकि एक बटन शो करवाना है तो बटन नाम भी बटन ही फिर होना चाहिए, ये सिर्फ एक सिंपल अकाउंट। यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक रैंडम बटन शो करवाना है जिसका कि कोई एक दूसरा मकसद है कि उसके क्लिक पे हमने जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन कॉल करवाना है, तो उसका तरीका का ये है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल बटन लगा के यहाँ पे सिंपल बटन इसका नाम दे देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट सबमिट का एक्शन कॉल कर देगा। अगर आप इस बिहेवियर को नहीं चाहते कि भाई इस पे क्लिक करने से ये सबमिट ना हो, और ये नीचे वाले मैं दोनों कमेंट कर देता हूँ रिफ्रेश, कि इसके क्लिक पे सिंपल बटन के क्लिक पे ये सबमिट नहीं होना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है कि इसकी टाइप को बटन सेट कर दें कि ये एक सिंपल बटन है, इसको सबमिट बटन कंसिडर ना किया जाए। मैं आप इस पे जितनी मर्जी दफा क्लिक करूं फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ओके कंटिन्यू करते हैं, हमने अभी तक स्टडी कर लिया रीसेट को। नेक्स्ट हमारे पास है URL और टैग। आप अगर अपने फॉर्म में चाहते हैं यूजर से कि वो एक URL एंटर करें, तो यहाँ पर URL की फील्ड करें एंटर, और इसमें मैं अभी के लिए रिक्वायर्ड एंटर कर दूंगा ताकि आप वैलिडेशन देख सकें कौन कौन सी लगती है, और इसका प्लेस होल्डर मैं ऐड कर दूंगा, प्लेस होल्डर एंटर URL, रिफ्रेश, ये आ गया एंटर URL। मैं इसको सबमिट करता हूँ तो इसको चेक कर लेता हूँ सबमिट। अब आप देख सकते हैं कि पहले वैलिडेशन लगी एम्प्टी की, मैंने कुछ एंटर किया, अब दूसरी वैलिडेशन आ गई कि ये URL नहीं है, और URL को वैलिड होने के लिए मैं अगर zions.com एंटर करके एंटर करूंगा तो ये भी वैलिड URL नहीं है, उसके लिए http:// या https:// का होना जरूरी है। सबमिट, और सबमिट हो गया। लास्टली टेलीफोन नंबर इनपुट टेल एंटर किया, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, ऊपर वाले से मैं रिक्वायर्ड हटा दूंगा ताकि हम सबमिट जल्दी कर सकें, और मैं यहां से इसके साथ से भी रिक्वायर्ड हटा दूंगा, यहां पर प्लेस होल्डर ऐड कर दूंगा एंटर फोन नंबर। यहां पर मैंने प्लेस होल्डर ऐड कर दिया एंटर फोन नंबर, और अब यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा और सबमिट करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ यहां पे मुझे एम्प्टी की वैलिडेशन यहां पे देगा। ये जो टेल टाइप की इनपुट है ये फोन नंबर को वैलिडेट नहीं करता, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ भी एंटर करके 1 या A एंटर करके सबमिट करूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा। जो फोन नंबर वैलिडेशन होती है और जो ईमेल प्रॉपर ईमेल बाकी जितनी भी जो प्रॉपर वैलिडेशन होती है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। ये जो डिफॉल्ट वैलिडेशन है HTML में वो हमें इतनी अवेलेबल है। मैं एक दफा इन जो हमने आज की वीडियो में कवर किया उसको रिपीट कर देता हूं ताकि आप उसको गो थ्रू कर लें। हमने जो इनपुट टाइप्स आज की वीडियो में स्टडी किए वो है चेकबॉक्स, रेडियो, रेंज, रीसेट, URL और टेल फॉर टेलीफोन। हम जो यहां पर चेकबॉक्स है उसको भी चाहे तो जितनी दफा मर्जी रिपीट कर सकते हैं, और चेकबॉक्स भी जो एक सेम हो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन को वैसे ही रहने देता हूँ, इसको एक डिव में रैप कर लेता हूँ ताकि ये ब्लॉक लेवल में आ जाए और आगे पीछे से जो चीज़ें हैं वो इसके पीछे वाली जो चीज़ें लाइन ब्रेक एक ऐड हो जाए। ओके इसका मैं नाम सेट कर दूंगा हॉबीज। ओके और ये नाम अब मैं जो जो इसके इस चेकबॉक्स के ऑप्शंस हैं उन सब पे ये सेम नाम ऐड कर दूंगा, और आईडी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ये चीज मैं काफी दफा बता चुका हूं। मैं यहाँ पे पहली जो आईडी है उसको दे दूंगा रनिंग, दूसरी आईडी दे दूंगा लर्निंग एंड लास्ट आईडी दे दूंगा टीचिंग, और यहां पर इनका टेक्स्ट भी चेंज कर दूंगा रिस्पेक्टिवली। खत्म किया रनिंग, लर्निंग एंड टीचिंग, सेव किया, रिफ्रेश किया,
बेसिकली अभी आपको इसमें कोई चेंज खासा नजर नहीं आएगा, लेकिन ये चीज इस तरह समझ लें कि जो चेकबॉक्स जिसके ऑप्शंस एक टाइप का चेकबॉक्स है कि हॉबीज यूजर से लेनी है या कोई भी इस तरह का डाटा लेना है कि एक उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बन रहा है, उसके ऑप्शंस ज्यादा है कि जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि कौन कौन सा आपके पास स्किल है, तो इसमें अब आपके ऑप्शंस जो हैं वो ज्यादा हो सकते हैं कि मेरे पास HTML है, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, ये सारे स्किल्स हैं। तो इस तरह के जो टाइप क्वेश्चन होता है उसमें आपने चीजों को चेक करना होता है कि मेरे पास ये स्किल है, ये स्किल है, ये स्किल नहीं है, ओके। लेकिन वो क्वेश्चन सेम ही है कि ये सारा जो आंसर है, अब ये मेरी केस में ये हॉबीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अच्छा ये मेरी हॉबी है, ये मेरी हॉबी है, ये मेरी हॉबी है, ओके। फिर हमने स्टडी किया रेडियो को, रेडियो हमने देखा कि जो जैसे कि अगर आप जेंडर पूछ रहे हैं या कोई इस तरह का चीज पूछ रहे हैं, कोई या कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें एक आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा चेकबॉक्स में एक से ज्यादा आंसर हो सकती है, रेडियो में सिर्फ एक वैलिड आंसर हो सकता है, तो उसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर जो इनपुट एलिमेंट है वो इनपुट टाइप रेडियो एलिमेंट है। फिर हमने रेंज के टाइप को स्टडी किया कि इनपुट टाइप रेंज वो क्या एलिमेंट हमें देता है, यूआरएल, और लास्ट में हमने टेलीफोन टाइप इनपुट को स्टडी किया। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की और बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.